आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चुनावी संग्राम के बीच मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। मेरठ में बोले पीएम मोदी, पहले माफिया अपना खेल खेलते थे, अभी योगी सरकार ऐसे लोगों के साथ जेल जेल खेल रही है। यूपी की सियासत में दौड़ा फ्री बिजली का करंट, अखिलेश के वादे पर सीएम योगी ने उठाए सवाल। बीजेपी सपा पर सीएम केजरीवाल का निशाना, बोले एक ने कब्रिस्तान तो दूसरे ने शमशान बनवाए, हमें मौका दीजिए। मैनपुरी में किसान मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन, राज्यसभा सांसद ने सम्मेलन को संबोधित किया। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पहली खबर मैनपुरी से है, जहां घिरोर कोसमा चौराहे पर एशिया इंटरनेशनल स्कूल में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भुवनेश यादव की अध्यक्षता और गुजरात हिंदी भाषी संगठन प्रभारी उपदेश यादव की अध्यक्षता में जिले के किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री और जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने शिरकत की। इस दौरान हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर खड़ी मस्जिद को हटाकर भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण 2023 में कराने के लिए होने वाला है। वहीं गोरखपुर में निवासी अरुण प्रताप सिंह को अपनी पत्नी अर्चना के साथ और संबंधी खलीलाबाद निवासी अजय अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर निवासी के साथ में वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि इसमें इनकी दर्दनाक मौत हुई है। युवक की मौत की सूचना युवक के पिता को टीवी के माध्यम से पता चली। इंटरमीडिएट से लेके पीएमटी की तैयारी हम लोगों ने साथ में की है और काफ़ी तब से लेके और आज तक का एक बहुत अच्छा संबंध है। बहुत मधुर व्यवहार के व्यक्ति थे और मेरे बहुत खास मित्र में से एक थे। उनकी मौत की सूचना कैसे आप लोग को? मौत की सूचना मुझे, मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था तो मुझे बस इतनी न्यूज़ मिली कि वैष्णो देवी दरबार में जो है ऐसी सी घटना हुई है, तो मैं तब से परेशान था। मैंने कई बार उनको कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ नंबर बंद रहता है। तो लगभग मुझे फेसबुक के माध्यम से 12 बजे के आसपास में जानकारी मिली कि उसमें इनका भी नाम था। अच्छा, मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी, कल वो लाइव थे जिस पे हमने कमेंट भी किया था और बातचीत भी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन अब ये नहीं मालूम था कि ये आखिरी बार बात हो रही है। सत्य प्रकाश सिंह, जी 29 तारीख को गए थे यहाँ से, उनके साथ एक अजय सिंह थे लखनऊ के और एक अनुग्रह नारायण सिंह उनके पार्टनर हैं, वो थे। परसों शाम को 8 बजे इधर से जा रहे थे, जालंधर में थे तो बात हुई थी। पहले दिसंबर को 21 को जी सूचना ही मोबाइल और टीवी के माध्यम से ही मिली है। अब उनसे हमारी कोई बात नहीं हो पाई, नहीं। प्रशासन यही एडीएम साहब के स्तर से दो लोग आए थे और कहे हैं कि एक कोई आदमी भेज दीजिए लखनऊ 7:30 बजे। अगली खबर और यह से है, जहां पर विकासखंड के ग्राम तुर्कीपुर में प्रदेश सरकार आवारा जानवरों के लिए गौशालाओं का निर्माण तो करा रही है, मगर अधिकारी और कर्मचारी इन जानवरों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि गौशाला खोली है तो इन जानवरों को वहां खाना नहीं दिया जाता और जानवरों को वहां पर ठीक ढंग से रखा भी नहीं जाता है। वही किसानों ने बताया कि रात भर जाग कर वो अपने फसलों की रखवाली करने को मजबूर है। ऐसे में पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से इन आवारा गौवंशों को खेतों से हटाकर गौशालाओं में पहुंचाने की मांग की है। हम तुर्कीपुर
दत्तर सिंह आ गए। क्या मामला हो गया और आज क्यों मवेशियों को अंदर बंद किया गया है? अरे रात रात भर किसान जाग के फसलें नहीं उठा पा रहे हैं, पूरा पूरा खेत साफ कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को कई बार खबर कर चुके हैं, क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या खिलाएंगे, क्या दिन रात मेहनत करके क्या बचता है? ये जो मवेशी अन्ना कर रखे हैं, गौशाला बना रखे हैं, उससे क्या फ़ायदा मिला हम लोगों को? एक एक रात में पूरा पूरा खेत साफ कर जाते हैं मवेशी, ये प्रशासन को सुनना चाहिए। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों के प्रति। क्या आपने शिकायत की थी प्रशासन में इस बात की? प्रशासन कई बार पोर्टल पर डाले, कई बार शिकायतें की। अब ये गौ रक्षा और गौवंश बचाने के चक्कर में यहाँ कहीं तो गाय कुत्ता खा रहे हैं, कहीं सड़ रही हैं, कहीं गल रही हैं इनकी। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गोदा क्षेत्र में सौच को जा रही युवती के साथ दबंग ने दुष्कर्म की कोशिश की है, जिसके बाद दबंग ने राहगीरों को आता देखकर वहां से वो भाग खड़ा हुआ। वहीं पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं अब पीड़ित परिजनों ने कप्तान के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर हमारी बहन थी, हाँ, वो गांव में आई थी दो तीन दिन पहले, तकलीफ दी हमारी माँ जी, तो उसके लिए वो 6:30 बजे करीब सौंच के लिए गई थी। ठीक। तो वो पड़ी तो सौंच करके आ रही थी, तो एक लड़का उधर उसे उसका हाथ पकड़ के खींच के लाया खेत में ले आया था जी। तो उसने शोर मचाया, तो बड़ी मुश्किल से छूट छाड़ के वो घर आई, तो पाई मोहल्ले उसी मोहल्ले के पली तरफ मोहल्ला पड़ता है, तो उन लोगों ने बचाया उसे। तो जो घर आके माँ को, कौन कौन लोग थे वो, क्या नाम है उनके? पंकज था लड़का, वो इसके साथ में एक दो लड़के और थे, वो भाग गए थे। तो गलत काम की नियत से खींच के ले जा रहे हैं? गलत काम की नियत। अगर तूने घर जाकर बताया तो तुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं सोचने के लिए गई थी, वहाँ पे सर आते थे, मुझे खींच के ले जा रहे थे, गाय काफी मैंने चिंगा मचाया। काय में ले जा रही खींच के? लेटा में, खेत में। मैंने कहा क्या नाम था उनका? एक का नाम पंकज था, एक का नाम बादल और एक का नाम। तो सुबह कितने बजे गई थी आप सोच के? वहीं रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रौसी में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अनुसंधान में स्थानीय अस्पताल लालगंज में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं सहारनपुर के नागल थाने इलाके में सरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में एक लड़की की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी युवक हत्या के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन करके हमलावर युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। नागल थाना क्षेत्र में आज एक 22 वर्षीय युवती को चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। उक्त प्रकरण में संबंधित परिजनों से बात की जा रही है, उनसे तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ में ही जो भी इसमें घटना में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, सभी टीमें रवाना हो गई हैं। शीघ्र ही संबंधित जो भी अभियुक्तगण हैं उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई। वहीं सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के असादपुर गांव में 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से मौके पर सनसनी मच गई। आपको बता दें कि तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मृतक की पत्नी के मुताबिक गांव के दो लोग युवक को घर बुलाने आए थे, जिसके बाद काफी देर बाद बीत जाने पर भी युवक घर नहीं लौटा। इस दौरान सीओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि मृतक के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। फोन लगा कहीं ना हो मेरा जन्म दिन मनाए बेचन आवो तो कहीं ना ही आए बाऊ अब भाई आई तो लड़कियों को कहीं जा रहे तुरे तो कहीं और लड़के कहीं के पापा हम जाए थे तो कहीं कि कहा बेचन आवो तो कहीं अच्छा भाई आई था खाली तब आई था अच्छा तब फिर गए उनके घर फिर आए तो हम कहीं कहीं जब बाबू जब पापा कहाँ गए नहीं आए दिख रहा टाइम में तो कहीं दीपक घर ना आई तब भी दीपक घर से तो फिर आए घर ना तो कहा चले पलवा आस किया खाए ले और लाले पियाओ हम आई था तब फिर अगर बाद में हम कहने सभी खाए ले जाए पहले कोई सभी आए गए।
क्या मामला है जो हुआ है? ये सूचना मिली थी कि ग्राम मसाधारपुर में बेचन चौहान और उनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, इसके संबंध में पंचायतनामा भर। वहीं औरैया के अरवा कटरा क्षेत्र के दोवा में ऐतिहासिक मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह, सीओ महेंद्र प्रताप और सभी स्टाफ वहां पर मौजूद रहे, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह की तरफ से दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन किए गए और उन्होंने पूरे मेले का पैदल भ्रमण भी किया। इसके अलावा संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। ये दोवा माफी का मेला थाना अरवा कटरा में परंपरागत रूप से मनाया जाता है। इसके आयोजकों से मेरी बात हुई है, सीओ साहब भी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर अरवा कटरा भी मौजूद हैं और मेला की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में डिस्कशन हुआ है और पूरी तरीके से फोर्स हमारी लगी हुई है, पीएसी भी लगी है, फोर्स भी लगी है और लगातार जो है वो निगरानी है और सकुशल शांति व्यवस्था के साथ, सकुशल जो है सुरक्षा और शांति व्यवस्था के साथ मेला बनाया जाएगा और पुलिस का पूरा प्रबंध रहेगा, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले की सर्विलांस टीम ने खोया हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है। सर्विलांस टीम ने करीब 120 मोबाइल फोनों को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल धारकों को सचेत रहने के लिए भी बयान कहा है और मोबाइलों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है। इससे पहले आपको बता दें कि 768 मोबाइल फोन इस पहले बरामद कर लिए गए थे और जिन्हें मोबाइल धारकों को वापस किया जा चुका है। देखिए, जनपद सिद्धार्थ नगर में जो विगत दिनों में लोगों के मोबाइल गुम हुए थे, जो मोबाइल खोए गए थे या कहीं भूल गए थे लोग दुकान पे या कहीं निकल के उनकी पॉकेट से गिर गए थे बस इत्यादि में, ऐसे 120 मोबाइल सर्विलांस सेल ने हमारी बरामद किए हैं और इसमें जो जिनके मोबाइल थे वो लोग जनपद सिद्धार्थ नगर के हैं, जनपद कानपुर के भी हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां पर एक महिला 81 दिनों से धरने पर बैठी हुई थी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। सिरौली रोड पर नाला निर्माण की मांग की गई। धनौली में ग्रामीण धरना दे रही हैं, जहां पर रानी के बेटे नीरज की मौत की पुष्टि की गई है। मौके पर थाना मलपुरा पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस ने महिला के शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा पिछड़ा मोर्चा के शोध प्रमुख और भारतीय जनहित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मौर्य ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम जनता ने भी शिरकत की थी। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए युवा भाजपा नेता विनोद मौर्य ने कहा कि हम सब हमेशा से जनप्रिय और जनता के लिए काम करने वाले राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से आम जनता के लिए खड़े होते आए हैं और उनकी पहचान राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सेवी के रूप में है। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, आज आप लोगों की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा, आप उसमें मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे नए साल? देखिए, आज 9 वर्ष के आगमन और मेरे जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम श्री विनोद कुमार मौर्य जी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण भी किया जाएगा और साथ ही साथ आज मानवर कांशीराम कॉलोनी के इस कैंपस में जो इन्होंने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आज इस 9 वर्ष के अवसर पर मैं भी यहाँ पर आए हुए हजारों की तादाद में सभी भाइयों बहनों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और समस्त प्रदेशवासियों को भी मैं शुभकामना बधाई देते हुए अपेक्षा करता हूँ कि आपका सहयोग इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ते रहने में सहयोग मिलता रहना चाहिए। मंत्री जी, चुनावी मौसम है और लगातार उत्तर प्रदेश में रेड हो रही है और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो अब चुनाव को देखते हुए ये रेड करवा रहे हैं और हमारा नाम उसमें बीच में लाने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, साँच को माँच नहीं, गलत किसी को फंसाया नहीं जाएगा। रेड में और कानूनी दायरे में यदि कोई आएगा तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा।
कोई दुर्भावना के साथ काम नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी दुर्भावना से कोई काम नहीं करेगी और जो भी कानूनी दायरे में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कल जन्मदिन है। उनकी जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज राजधानी लखनऊ की काशीराम जो कॉलोनी है वहाँ पर कंबल बैठने का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजक विनोद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि किस तरह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम था? ऐसा है कि पूरे प्रदेश में 2 जनवरी को चूँकि हमारे यहाँ चाचा जी का जन्मदिन होता है, तो हम लोग पूरे प्रदेश में चूँकि कल 2 जनवरी है, हम लोग आवास पे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, विशेषुरैया हाल, मेडिकल कॉलेज। लेकिन प्रत्येक वर्ष में इस तरह के आयोजन जन्मदिन के एक दिन पूर्व गरीबों को कम्बल वितरण, भंडारे और अनेक प्रकार के आयोजन करता रहता हूँ। चूँकि हमारे माननीय मंत्री जी पिछड़ों और दलितों के मसीहा हैं, कहे भी जाते हैं और सभी जानते हैं इस बात को, तो ये उनके जन्मदिन के अवसर पर आज पूर्व संध्या पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि इतने जनसैलाब के साथ माननीय मंत्री जी को हम सब लोग मिलके, मंत्री जी का आशीर्वाद तो हम लोग ले ही रहे हैं लेकिन हम लोगों के भी उम्र उनको लग जाए, ऐसी हमारी कामना है। देखा जा रहा है लगातार आप पहले भी कई तरह के समाज सेवा में लिप्त रहे हैं, हमसे काम करते आ रहे हैं, कई तरह की समाज सेवा आपके द्वारा की जाती है, तो कैसे समाज से बैठाते हैं राजनीति समाज सेवा में? सब हो जाता है। हम लोग देखिए, हम लोग नेता कम हैं, पारिवारिक ज़्यादा हैं, क्योंकि ये यहाँ जितनी जनता पब्लिक बैठी है ना, ये हमारा परिवार है। हम यहाँ नेतागिरी या राजनीति करने नहीं आए हैं, यहाँ एक परिवार से अपने लोगों से मिलने आए हुए हैं। और ये यहाँ पे जो भी पब्लिक बैठी हुई है ये सब हमारे अपने लोग हैं, और जब अपने लोगों का विचार होता है ना तभी अपने लोगों का साथ मिलता है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, प्रदेश सरकार कार्यकाल पर क्या कहेंगे? अरे फिर हम लोग 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1,000 रुपये श्रमिकों को प्रतिमा खाते में जा रहा, 500-500 रुपये पेंशन की योजना, बालिकाओं के जो श्रमिक हमारे हैं उनके बच्चों को इंजीनियरिंग बच्चा कर रहा है तो 5,000 रुपये, अगर लड़की की वो शादी करता है तो लड़की की शादी में जो है 75,000 रुपये है, अगर वो सामूहिक विवाह में करता है ऐसे 55,000 रुपये। इस प्रकार की श्रम विभाग के द्वारा इतनी योजनाएं, ये तो एक श्रम विभाग की योजनाएं हैं, बाकी जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय फ्री, उज्ज्वला गैस योजना, 5 लाख तक का बीमा, तो बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार चला रही, हमारी जनता प्रदेश की खुशहाल है, देश की जनता खुशहाल है। अब वो चाहती है कि पुनः फिर मोदी जी की और योगी जी की सरकार आए। प्राइम टीवी के माध्यम से यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ की जनता के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनता भी भली भांत जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में आज मोदी और योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी बहन बेटियां खुशहाल रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा ही आगे भी हमारा प्रयास है कि जो छूट एक आधी कमियां बची हुई उनको हम पूर्ण करके पूरे प्रदेश में खुशहाली लाएं। तो ये थे हमारे साथ विनोद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सोर प्रमुख हैं, इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं और लगातार सामाजिक कार्यों के माध्यम से आम जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में, यानी 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से ही वो फिर दोबारा परचम लहराएगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमेशा से हम उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर इस तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं और उनके जन्मदिन को भी पूर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ मंडल के महाप्रबंधक अमित खन्ना ने गरीब, अनाथ और विकलांग बच्चों को ट्रैवलर बस दी है। आपको बता दें कि SBI के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सेवा संतान के संरक्षक और कुछ बच्चे भी यहां पर सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए SBI लखनऊ मंडल के महाप्रबंधक अमित खन्ना ने कहा कि SBI लगातार समाज सेवा से जुड़ा रहता है और कोरोना महामारी के समय भी स्टेट बैंक ने बढ़ चढ़ कर सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता आया है और कोशिश की जाती है कि जो समाज के उपेक्षित लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं,
जहां भी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको शायद सरकारी स्तर पर पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता, वहां इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई कॉरपोरेट्स हैं, वो लोग अपने बिजनेस को करते हुए साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करना उनकी एक जिम्मेदारी है। और इसी संदर्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से ही समाज से जुड़ा रहा है। जहाँ जहाँ लगा कि वहाँ हमारा कुछ रोल हम अदा कर सकते हैं तो हम उसे करते आए हैं। और अभी इसी कड़ी में आज 1 जनवरी को सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने दृष्टि संस्थान को एक व्हीकल भेंट किया है। दृष्टि संस्थान जो है वो समाज के उपेक्षित बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो बेसहारा हैं, मेंटली डिस्टार्टेड हैं या हैंडीकैप्ड हैं, उन बच्चों को लेकर आता है, अपने यहाँ पालता पोसता है। बहुत डेडिकेटेड एनजीओ है, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। और आज उसी कड़ी में उन्हें इस वाहन भेंट किया गया है उन्हें, ताकि वो उसे उपयोग कर सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।